हेलो बच्चों, मैं आशा पांडे, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पार्ट थ्री, हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट थ्री पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन या ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले पार्ट टू में मैंने आप लोगों को बताया था कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, जिसे आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस तीनों भागों में क्या, तीनों ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है या उसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे कि ठोस को आखिर ठोस क्यों कहा जाता है, द्रव को क्यों द्रव्य कहा जाता है और गैस को क्यों गैस कहा जाता है। आइए अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानने से पहले हम उसका नंबर वन पॉइंट नोट करते हैं कि ठोस की आकृति और आयतन कैसी होती है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। देखो बच्चों, पहला हमारा पॉइंट है आकृति और आयतन, आकृति और आयतन। तो सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में जानते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कांच की शीशी, ये शीशी बिल्कुल ठोस है, इसकी आकृति मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, और इसका आयतन भी मुझे समझ में आ रहा है। जितना स्थान वो घेर रहा है वो उसका आयतन हो गया। तो इसकी ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होती है, ठीक है, ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होती है, मतलब इसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं कि द्रव जो है, ये जो तेल है बच्चों, तेल जो है ये इतना तेल है, ठीक है, ये इतना तेल है इस शीशी में, इस जगह पर भरा हुआ है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, इस तेल को बच्चों, ये शीशी में है तो यहां तक आप लोग को दिखाई दे रही है, लेकिन यदि हम लोग इसे इस ग्लास में डाल देते हैं तो आप देखिए कि इसकी आकृति बदल गई है। तेल तो उतना ही है, मतलब उसका आयतन निश्चित है, जितना है तेल उतना है, लेकिन इस शीशी में इसकी आकृति कुछ और थी और इस ग्लास में इसकी आकृति कुछ और है। यानी द्रव की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, मगर उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। और गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हवा जो बैलून में भरते हैं, ठीक है, तो उसके कण कहाँ कहाँ पर चले गए, ना तो उसकी कोई आकृति है, ना उसकी कोई बनावट है, और ना ही उसका हम कितना हवा उसमें भर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो ना तो उसकी आकृति निश्चित है और ना आयतन। हो सकता बैलून में ज्यादा भी भर जाए, कम भी भर जाए, ठीक है, तो उसकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं है। जिस अनुसार से
आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ ठोस के कणों को देखिए बिल्कुल बिल्कुल ठोस के कण आपस में चिपके होते हैं, जो हम पिछले पाठ में तुम लोगों को बता चुके थे बच्चों, आप लोग को बता चुके थे कि ठोस के जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल आपस में चिपके रहते हैं, वो अंतराणविक आकर्षण बल के कारण उन लोग आपस में चिपके रहते हैं। द्रव के जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो कुछ कम रहता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। और गैस के जो परमाणु हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकृति और आयतन। ठोस की आकृति निश्चित और उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की जो आकृति होती है वो अनिश्चित मगर आयतन निश्चित होता है, और गैस की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों घनत्व। घनत्व मतलब होता है कि ज्यादा घना कौन है, मोटा मोटी भाषा में समझ लो कि ज्यादा घना कौन है। तो ठोस जो है वो ज्यादा घना है। आप देख ही रहे हैं कि ठोस के हम लोग पहले ही यहाँ बना चुके हैं बच्चों, और साथ में ये बॉटल भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो कण हैं वो कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाए हुए हैं, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सब आपस में एकदम मिल करके एकजुटता का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन द्रव में क्या है, द्रव में ये बिल्कुल थोड़ा लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो इतनी गम घना है। और गैस में तो बच्चों इतना ज्यादा मारपीट होते रहता है कि इन लोग एक दूसरे से एकदम मुंह फुलाए, कोई इनने भागता है कोई उनने भागता है। ठीक है, तो क्या हो गया, घनत्व तो, यानी ज्यादा घना कौन है, ठोस है, उससे कम द्रव, और गैस तो बिल्कुल भी घना नहीं है। उसके बाद आ जाता है बच्चों अंतरा आणविक आकर्षण बल, मतलब किस प्रकार से उन लोग दोस्ती निभाए हुए हैं। तो ठोस ज्यादा दोस्ती निभाता है, द्रव उससे कम, और गैस बिल्कुल भी नहीं, हमेशा मुंह फुलाए रखता है, इधर उधर भागते रहता है। उसके बाद हमारा आ गया चौथा प्रसार। प्रसार मतलब बच्चों होता है एक दिशा में फैलना। प्रसार मतलब होता है एक दिशा में फैलना। जैसे कि बच्चों देखो, जैसे कि बच्चों देखो, हम लोग रूम फ्रेशनर वगैरह करते हैं तो इसमें से एक गैस बाहर निकलती, ये देखो गैस बाहर निकली, तो प्रसार मतलब होता है एक दिशा में उसका फैलाव हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो गैस में सबसे ज्यादा होता है प्रसार, द्रव में उससे कम, और ठोस में बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ना, इसको यहीं पे रख दिए तो ये कहीं फैल रहा है, कहीं नहीं फैल रहा है, जहां रख दिए वहीं पर वो पड़ा हुआ है। उसके बाद हो गया बच्चों विसरण। तो गैस में विसरण का मतलब होता है कि दो चीजों का आपस में मिलना। जैसे कि मान लो यदि हम लोग पानी में यदि स्याही डाल देते हैं या नील डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, चारों दिशाओं में, कोई ये नहीं है कि एक निश्चित दिशा है, चारों दिशाओं में आपस में वो मिल जाता है, तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। खाना बनता है तो यदि घर में खाना बन रहा है या बाहर में कहीं पुलाव बन रहा है, तो उसका सुगंध हमको पूरी तरह से नाक में चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विसरण। तो गैस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, और ठोस में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, छठा हो गया हमारा अंतरा आणविक स्थान, यानी ठोस के कण जो है उनके बीच में कितना स्थान है,
द्रव के कणों के बीच में कितना स्थान है और गैस के कणों के बीच में कितना स्थान है। तो बच्चों अंतराणविक स्थान में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गैस के अणुओं को आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अणु बिल्कुल दूर दूर है, यानी गैस में अंतराणविक स्थान यानी कणों के बीच में परमाणुओं के बीच में बहुत ज्यादा स्थान रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कि द्रव के परमाणुओं के बीच कितना स्थान है। तो द्रव के कणों के बीच में थोड़ा गैस के कणों से कम स्थान है और ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं है। इन लोग तो अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में रहता है। अंतराणविक स्थान मतलब अणुओं के बीच का स्थान कितना है, माने कि दो अणु या दो कण आपस में तो गैस में बिल्कुल इतने इतने दूरी पर सब इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है, द्रव में इतनी दूरी पर फैले हुए हैं और ठोस में तो बिल्कुल ही चिपके हुए हैं। तो गैस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वाले पार्ट में मैं बच्चों आप लोगों को बहाव के बारे में बताऊंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक, द्रवणांक, उसके बाद उध्रवपातन और संपीड्यता। इसके बाद वाले भाग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। ठीक है, आज 6 पॉइंट को आप लोग याद करके रखिए, आकृति और आयतन, घनत्व, अंतराणविक आकर्षण बल, प्रसार, पांचवा विसरण और छठा अंतराणविक स्थान। इसके बाद वाले में और भी मैं अंतर को आप लोग को उदाहरण के साथ में बताऊंगी। धन्यवाद।